इसमें हमें एक वॉर्टेक्स और पैराबोला देखना था कि कौन सा पैराबोला है। हमें पता चल गया था कि डाउनवर्ड पैराबोला है और उसके वर्टेक्स भी हमें पता चल गया था। वर्टेक्स ये रहा, हाँ जी, डाउनवर्ड पैराबोला का पता चल गया था। और यहाँ तक हमारी बातें सारी क्लियर हो गई थी। इसके नीचे थ्री लगाना भूल गए थे हम, बस यहाँ तक एंड हो गई थी क्लास। हाँ जी, बस एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ जी, यहाँ यहाँ मेरे को सोच के बताना, थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ, ये है आर्क सक्सिस। और ये है वाई एक्सिस। है ना, अक्स एक्सिस को बोला जाता है रियल अक्स एक्सिस, रियल अक्सिस लिख देते हैं इसको, और इसको बोला जाता है इमेजिनरी। हिंदी वाले बच्चे, बेटा ये वास्तविक अक्सिस है और ये काल्पनिक अक्सिस है। हाँ, काल्पनिक अक्सिस का मतलब हम समझने वाले हैं, टेंशन लेने की जरूरी नहीं है। हाँ जी, यहाँ देखिएगा, ये जो ग्राफ है, ये जो पैराबोला है पहले वाले क्वेश्चन का, ये रियल अक्स एक्सिस को कट करता है, ये रियल अक्स एक्सिस को कट करता है। तो इसके जो रूट आएंगे बेटा वो रियल आएंगे, इसके जो रूट आएंगे वो क्या आएंगे, रियल आएंगे। तो मैं यहाँ नोट करता हूँ, है ना, ये रियल अक्स एक्सिस को कट करता है। तो इसके रूट रियल रूट होंगे भाई। हाँ जी, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपनी लैंग्वेज लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे समझ में आना चाहिए। हाँ जी, तो यहाँ क्या बोला हमने, ये रियल अक्सेस को कट करता है। अब मेरे को एक बात बताइएगा, यहाँ देखिएगा, क्या ये रियल अक्सेस को कट करता है, सेकंड वाले क्वेश्चन का ग्राफ रियल अक्सेस को कट करता है, नहीं करता है? तो हम बोल देंगे रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। हाँ बेटा, हाँ, रियल रूट नहीं होंगे। तो सर कौन से रूट होंगे फिर, इमेजिनरी रूट होंगे, कौन से रूट होंगे इमेजिनरी, क्योंकि, हाँ जी, क्योंकि रियल नहीं होंगे तो क्या है, क्यों क्यों नहीं है, क्योंकि ये अक्ष अक्सिस को कट नहीं करता है, क्योंकि ये रियल अक्सिस को कट नहीं करता है, इसलिए इसके इमेजिनरी अक्स रूट्स आएंगे। तो क्या आएगा इसका, इमेजिनरी रूट्स आएंगे। यहां तक क्लियर है? ओके, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। ये रियल एक्सिस को कट नहीं करते हैं, यानी कि अक्ष एक्सिस को कट नहीं करते हैं, इसलिए इसके रियल रूट्स नहीं हैं। दीपांशु, बात क्लियर है? हाँ, जो पैराबोला आपका अक्सिस को कट करेगा वो रियल रूट्स देंगे, और अक्सिस को कट नहीं करेगा वो इमेजिनरी रूट देंगे। और जो कट ना करके टच करेगा, आगे पढ़ने वाले हैं हम ग्राफ, ग्राफ देखने वाले हैं भाई, नेक्स्ट इसी क्लास में देख लेंगे या नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो अगर कोई टच करके ही निकलता है, कट नहीं करता है, तो वो रियल रूट देगा लेकिन इक्वल रूट देगा। यहाँ देखो, ये इक्वल रूट नहीं है, ये इक्वल रूट नहीं है, ये इक्वल रूट नहीं है, तो क्या है, डिस्टिंक्स रूट है। मैं नाम ले रहा हूँ डिस्टिंक्स रूट का,
अलग अलग रूट हो जाएंगे वो। हाँ जी, तो यहाँ तक कोई समस्या है आपके? चलो एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको होमवर्क के लिए। आप निकालिएगा, कर लेंगे फिर। होमवर्क है आपका y इक्वल टू अक्स स्क्वायर प्लस अक्स प्लस वन है एक तो, और दूसरा है y इक्वल टू माइनस का टू अक्स स्क्वायर प्लस का फोर अक्स प्लस थ्री। ये दो आपका होमवर्क है, इसका वर्टेक्स निकालिएगा। वर्टेक्स किस तरीके से निकाला जाता है? पहले तो पता होना चाहिए आपका पहला पॉइंट कि a क्या है, फिर दूसरा पॉइंट डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना, फिर तीसरा पॉइंट डी वाई बाई डी एक्स को 0 के इक्वल पुट करना, और यहाँ से हमें अक्स की वैल्यू निकलेगी, अक्स की वैल्यू मिलेगी, वो अक्स की वैल्यू वाई में पुट करना, वो अक्स की वैल्यू वाई में पुट करना। तो यहाँ से हमें वाई मिलेगा, और हमें अक्स कोमा वाई मिलने पे इसको हम वर्टेक्स बोल देंगे।